हेलो लर्नर्स मैथ्स ट्यूब लर्निंग में आपका स्वागत है आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स कन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है कॉन्जिक्यूटिव का मतलब यह है कि दो नंबर्स जो एक के बाद एक आते हैं जैसे कि 11, 12, 23, 24, ऐसे और इवन नंबर्स का मतलब क्या है यानी कि जिसके एंड में ज़ीरो टू फोर सिक्स या फिर एट हो यानी कि यूनिट्स प्लेस में तो इनमें से कोई भी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स नहीं है अगर हमें कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स लेने हैं तो उनके एग्जाम्पल्स होंगे ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी सिक्स जैसे कि ऐसे क्योंकि ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी सिक्स दोनों ही इवन हैं और ट्वेंटी फोर के बाद ट्वेंटी सिक्स आता है तो अपने सम को करने के लिए हम ऐसे जो दो नंबर्स एग्ज़ाम्पल के हिसाब से लेंगे वो है टेन और 12। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा टेन और 12 के फैक्टर्स निकालना टेन के फैक्टर्स निकालेंगे और 12 के फैक्टर्स भी निकालेंगे सेकेंड स्टेप में हम इन दोनों फैक्टर्स के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे यानी कि ये देखेंगे कि इन दोनों फैक्टर्स जो हमने निकाले हैं दोनों नंबर्स के टेन और ट्वेल्व इनमें से कौन से फैक्टर इसमें भी है और इसमें भी है और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे ये जो हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले हैं उसमें से हाईएस्ट फैक्टर देखेंगे और वही हमारा होगा एच सी एफ तो चलिए टेन के फैक्टर्स निकालते हैं सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ टेन टेन के फैक्टर्स निकालने के लिए हम टेन को ऐसे लिख लेंगे और स्टार्टिंग फ्रॉम वन हम ये देखेंगे कि कौन कौन से नंबर के टेबल में टेन आता है तो वन मल्टीप्लाइड बाय टेन इज़ टेन तो हमने इसे ऐसे लिख लिया नेक्स्ट है टू टू के टेबल में टेन आता है और टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव इज़ फैक्टर्स ऑफ टेन निकालने के लिए हम साइड में जो नंबर्स हैं उसे हम ऊपर से नीचे तक पढ़ेंगे और राइट right साइड के नंबर्स को नीचे से ऊपर तक पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे वन फिर नीचे आएंगे टू फिर इस तरफ आ जाएंगे फाइव और फाइव के ऊपर है टेन नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ ट्वेल्व ट्वेल्व के फैक्टर्स निकालने के लिए हम ट्वेल्व इक्वल टू फिर से लिखेंगे वन वन के टेबल में ट्वेल्व आता है तो वन मल्टीप्लाइड बाई ट्वेल्व इज ट्वेल्व टू के टेबल में ट्वेल्व आता है टू मल्टीप्लाइड बाई सिक्स इज़ ट्वेल्व थ्री नेक्स्ट है नंबर थ्री के टेबल में भी ट्वेल्व आता है थ्री इंटू फोर इज ट्वेल्व देर फोर फैक्टर्स ऑफ ट्वेल्व निकालने के लिए हम लेफ्ट साइड के जो नंबर्स हैं उसे ऊपर से नीचे तक पढ़ेंगे और राइट right साइड के नंबर्स को नीचे से ऊपर तक पढ़ेंगे तो हमारा आया वन टू थ्री फोर सिक्स और ट्वेल्व तो हमें जो जो फैक्टर्स मिले हैं टेन और ट्वेल्व के हमने उसे लिख लिया है टेन के फैक्टर्स हैं वन टू फाइव और टेन और ट्वेल्व के फैक्टर्स हैं वन टू थ्री फोर सिक्स और ट्वेल्व हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमें इन दोनों फैक्टर्स जो हमें मिले हैं लिस्ट से हमें उन्हें कंपेयर करना है और कॉमन नंबर्स निकालने हैं जैसे कि वन वन दोनों में आया है वन हमने लिख लिया नेक्स्ट है टू टू भी दोनों में कॉमन है इसके बाद और कोई नंबर नहीं है जो टेन और ट्वेल्व दोनों में आया हो तो कॉमन फैक्टर्स हो गए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन और टू में मैक्सिमम है टू तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एच सी एफ ऑफ टेन एंड ट्वेल्व इज टू तो हमने देखा कि हमने दो कॉजिक्यूटिव इवन नंबर्स लिए थे टेन और ट्वेल्व और उसका एच सी एफ निकला है टू इसी प्रकार अगर हम कोई भी दो कन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स लेंगे जैसे कि हुआ ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर या फिर फोर सिक्स या फिर थर्टी सिक्स थर्टी एट कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लेंगे तो हम पाएंगे कि सबका एच सी एफ आएगा टू इससे हम ये जान पाएंगे कि एच सी एफ ऑफ टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स टू तो हमारा आंसर स्टेटमेंट हुआ एच सी एफ ऑफ टू इवन नंबर्स इज टू अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल मैथ्स ट्यूब लर्निंग को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय